एक लड़की सेक्स करे बिना कितना समय रह सकती है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लड़के पूछते हैं मैम मेरी वाइफ तो पता नहीं कितना समय हो जाता है वो बोलती ही नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड को तो पसंद ही नहीं है, कितना समय तक एक औरत रह सकती है और उसको नीड नहीं होती है? चलिए बात करते हैं। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऐसे बहुत सारी वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहें और ये वीडियो प्लीज़ पूरा अंत तक देखेंगे, मुझे पता है आप देखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि वो कब शायद बोल नहीं पा रही बट शी नीड्स इट। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि फीमेल की ना हर मंथली जो ये मासिक साइकिल होता है ना उसमें ऐसे पीक के कुछ डेज होते हैं जब उसके हार्मोन बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्टेड होते हैं, ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, ऐसे समय पे बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाती है या मूड स्विंग्स होने लगते हैं। एंड वंस द पीरियड्स गेट्स ओवर शी इज़ इन अ फेस ऑफ मे बी इन द मूड टू डू इट, क्योंकि तब उसके बॉडी हार्मोन्स बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं और ऐसे टाइम पे उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली सेक्स को डिमांड करती है। ये वो टाइम है जब फीमेल खुद आपके पास आके बोलेगी दैट शी वॉन्ट्स टू डू इट एंड शी गिव यू सिग्नल्स। एक वो टाइम जब हम बिल्कुल पीरियड्स से बिल्कुल जस्ट पहले की बात करते हैं, जब प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स हो रहे होते हैं, पेट में दर्द हो रहा है, क्रैंकी मूड हो रहा है, ऐसे टाइम पे अगर आप उन्हें अप्रोच भी करेंगे तो दे विल नॉट बी मच कम्फर्टेबल, या फिर हो सकता है वो आपको पुश करें। साथ इन हार्मोन्स रिफ्लेक्शन के साथ साथ फीमेल के लाइफ में मेडिकल, फैमिली, फाइनेंशियल ये सब बहुत बड़े क्लॉजेस होते हैं, क्योंकि फीमेल के लिए सेक्स मेंटल है, मोरओवर मेल के लिए इट्स मोर फिजिकल। तो मेंटली अगर बहुत सारे रिफ्लेक्शंस है तो भी फीमेल ऐसा हो सकता है कि सेक्स को बिल्कुल भी ना देखें, बट ऑन एन एवरेज अ फीमेल हु इज रिप्रोडक्टिव फ्रॉम 15 टू 35 टू 40 ईयर्स ऑफ एज, एक फीमेल को एटलीस्ट 2 हफ्ते अगर आप सेक्स के बिना भी रोक दो तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ये ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेटली 3 हफ्ते से 5 हफ्ते बढ़ जाती है तो वो धीरे धीरे उसकी नीड और कमी उनको खलने लगती है, जिसके लिए वो अपने मेल को क्वेश्चंस भी करती हैं या इनडायरेक्टली टॉन्ट भी करती हैं, या फिर मे बी कोई सोशल मीडिया पर कोई दूसरा पार्टनर लुक ऑन करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि 5 weeks to 1.5 months इज़ अ हाई टाइम वेयर फीमेल फील नीड ऑफ इट। ऐसे समय पे 6 से 7 महीने 8 महीने अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो फीमेल की बॉडी का वजाना ड्राई होने लगता है, वहाँ पर धीरे धीरे मूड बहुत ख़राब होने लगता है, वो बहुत स्टबन हो जाती हैं, लड़ाइयाँ एज अ कपल बढ़ जाती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टूर्स पर इधर उधर भी रहते हैं तो भी अगर आप 1.5 महीने में टाइम अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाएँ, इधर ऑन फोन, इधर थ्रू टॉयज, इधर थ्रू एनीथिंग, दैट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल, इवन अगर आप लंबे लंबे बाहर भी रहते हैं। अगर आप साथ हैं तो हफ्ते में एक दिन इज मिनिमम दैट योर पार्टनर वॉन्ट्स यू ऑन बेड। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ के लिए कनेक्टेड रहें।